विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, कौन सी कंट्री आपको सबसे इस एशिया में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी नजर आती है आपको क्रिकेट के लिहाज से? शाबाश बेटा। इकोनॉमी वाइज देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर वाइज देखा जाए, IT सेक्टर वाइज देखा जाए? देखिए, पहली बात तो ये मैं अपने प्यारे मुल्क को किसी भी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर ही नहीं करती। ये कौन सा लॉजिक है भाई? मैं इंडिया को देखता हूँ। क्या वजह है इंडिया को आप इतना स्ट्रॉन्ग क्यों देखते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? वो हर मामले में हमसे बेहतर है, टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बेहतर है, इंजीनियरिंग के मामले में हमसे बेहतर है, और लिटरेचर देखा जाए हर मामले में हमसे बेहतर है। जहालत देखें आप पाकिस्तानियों की, एक प्लेट बिरयानी में जो कौम अपने वोट की हैसियत नहीं समझते, एक प्लेट बिरयानी में वो अपना वोट दे देता है, तो फिर उस कौम का आप अल्लाह ही आप खत्म। पाकिस्तानी जो मईशत है ये दिन ब दिन घिरता जाएगा। सिर्फ डायलॉग बोलना, टीवी में चार चार बंदे लाके बैठाते हैं, उनसे गपशप करते हैं, सारे बकवास बातें। हम लोग जा रहे हैं, तरक्की का उम्मीद ही मत रखो पाकिस्तान। तो जी पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि भाई कौन सी कंट्री एशिया की पावरफुल कंट्री बनने वाली है और जल्दी ही तरक्की करने वाली है। ऑप्शन में पाकिस्तान ही नहीं था। पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कौन तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऑप्शन में ही नहीं था भाई। जब तो पाकिस्तान के लोगों से बोला जाता है भाई कौन तरक्की कर रहा है तो इंडिया का नाम नहीं लेते, वो डरते हैं, शर्माती है उनको बोलते हुए, बोलेंगे चाइना। लेकिन एक भाई ने तो भाई हद कर दी, बोला सिंगापुर है तरक्की कर रहा है जो। अबे भाई इंडिया तुम्हारे पास में बैठा है, कब दिखेगी तुम्हें इंडिया की तरक्की? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बड़ा मज़ा आने वाला है वीडियो को, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या बांग्लादेश, चाइना, कौन सी कंट्री आपको सबसे एशिया में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी नजर आती है आपको क्रिकेट के लिहाज से? इकोनॉमी वाइज देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर वाइज देखा जाए, IT सेक्टर वाइज देखा जाए? देखिए, पहली बात तो ये मैं अपने प्यारे मुल्क को किसी भी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर ही नहीं करती, ठीक है? ठीक है। और जहाँ पे कंपेयर करने की बात आ जाए, कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो खुद को, मतलब ये आप अपनी इंसल्ट कर रहे हो। देखिए, इंडिया में काफ़ी सारे दूसरी मज़ाहब भी हैं, लेकिन हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है उसमें जो है वो 80% से भी ज़्यादा इस्लामिक जो है वो इस्लामिक लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी एक इस्लाम को हिंदू से कंपेयर करूँगी या इस्लामी बंदे को, मुसलमान को हिंदू से कंपेयर करूँगी। तो मैं ना तो इकोनॉमी वाइज कंपेयर करना चाहती हूँ, ना मैं किसी और तरह से कंपेयर करना चाहती हूँ। हाँ, अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगी कि जी इंडिया काफ़ी अच्छा जा रहा है, इसी तरीके से मेहनत करते रहे। हम लोग भी अपने पेंडेमिक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त हम पे बुरे हालात हैं, इंशाल्लाह जल्दी वहाँ से भी निकल आएंगे। इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई निज़ाम है, यानी मैं उन पर उंगली नहीं उठा रही, वैसे ही कह रही हूँ। तो अगर एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ हमारी डिग्रियाँ नहीं है, सिर्फ PhD है, MPhil नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में वो तलीम और तरबियत भी है जो हमें कुरान पाक से मिलती है। तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर मैं कंपेयर क्यों करूँ। ठीक है, तो कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज ये देना चाहूँगी कि हर मुल्क का जो बाशिंदा होता है उसको अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है, अपने मुल्क से इस तरीके से मोहब्बत करते रहे। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने मुल्क को बचाने के लिए दूसरे मुल्क से पंगे ना लें और अपने मुल्क को बेहतर बनाएं, दूसरे ममालिक को छोड़ दें। ठीक है, थैंक जी। मैं इंडिया को देखता हूँ। क्या वजह है इंडिया को आप इतना स्ट्रॉन्ग क्यों देखते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? वो हर मामले में हमसे बेहतर है, टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बेहतर है, इंजीनियरिंग के मामले में हमसे बेहतर है, और लिटरेचर देखा जाए हर मामले में हमसे बेहतर है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, आपने बताया जी इंडिया तमाम सेक्टर में हमसे बेहतर है, इसके पीछे तमाम वजूहत क्या क्या? उनकी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, या प्राइवेट सेक्टर्स बड़े मजबूत हैं, या उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है? क्या वजह है इसके पीछे, वजूहत क्या हो सकती हैं? उन्होंने को सारा कुछ ही है यार, उनके पास सब कुछ ही है। अच्छा, हाँ, उनके पास उनके लीडर जो हैं वो अच्छी सियासत करते हैं। और मतलब क्या आपको लगता है पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें कोई टेन्योर कंप्लीट नहीं करता, इस वजह से हम पीछे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को करने नहीं दिया जाता। कोई करना चाह रहा होता है, उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ होता, तो दूसरे अपोजिशन वाले जो हैं उसको दबा देते हैं। और अगर इंडिया में देखा जाए वो एक लॉन्ग टर्म से चलते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये उनका ये इकदाम जो है इनका इकोनॉमी वाइज देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर वाइज देखा जाए तो ये बड़ी उनकी एक अचीवमेंट है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, जो कंट्री मेहनत करेगी, जो मुल्क मेहनत करता है, जिसकी मईशत जो है वो बेहतर होती है, वो मुल्क तरक्की करता है। और देखा जाए तो बेहतरीन है इंडिया यार, बहुत बेहतर है, पाकिस्तान से तो बेहतर है। तो जी हमें सिर्फ हमारी ऑडियंस को बता दें जी हम इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें स्टेप बाई इस तरह कर सकते हैं जी कि हम जो है अपने मईशत को, ये अब सैलाब आया हुआ है, हम डैम क्यों नहीं बनाए हमने, हमें डैम बनाने चाहिए थे। हम वक्त से पहले सोच लेते हैं, चंदे इकट्ठे कर लेते हैं, तमाम मामला कर लेते हैं, लेकिन उसको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाते, दरमियान में छोड़ देते हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं उसको ख़त्म नहीं करते, दरमियान में छोड़ देते हैं। जिस दिन हमने अपने काम ख़त्म करने शुरू कर दिए, शुरू से लेके आखिर तक अपने काम करने शुरू कर दिए, तो अब हम कामयाब हैं। ठीक है, तो हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है उनको कोई आखिर में पैगाम दे दें ताकि अगर हम अचीवमेंट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इकट्ठे रहें, आपस में इख्तलाफात जो हैं ज़्यादा ना बढ़ाएँ, आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बतों के साथ रहें, मुल्क का साथ दें। जो अच्छा लीडर आपको लगता है उसका साथ दें। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, श्रीलंका और अगर श्रीलंका है, चाइना है, अगर इन तमाम कंट्रीज़ को देखा जाए तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी नज़र आती है? अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए, अगर आप उसको इकोनॉमी वाइज के आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो कौन सी कंट्री को आप सबसे आगे देखते हैं? उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? हमने बात की चाइना, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ओबियसली इकॉनमी हर लिहाज से चाइना बेहतर है। क्योंकि उसमें उधर सनत का बड़ा रुझान है। वहाँ पे यू कैन सी डैट एट द मुकामी सतह जो होती है ना पाकिस्तान, मुकामी सतह छोटे लेवल से बड़े लेवल तक इंडस्ट्री हैं। वहाँ पे घरेलू सनत पे भी को भी तरजीह दी जाती है और वहाँ पे हर चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है। ठीक है। और वहाँ पे इवन मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पे मतलब जो बंदा विल है ऐसे जो चल फिर रहा है रोड पे, अगर वो भी चलता है तो वो भी उनके लिए कारामद साबित होता है, विल आदमी। ठीक है। और इसलिए उनका बड़ा रुझान, उनकी मतलब सनत हमेशा ओबियसली सनत का बड़ा एक अहम किरदार होता है किसी भी मुल्क की इकॉनमी में, क्योंकि उससे देखो आपकी बेरोज़गारी कम होती है। अगर इंडस्ट्री होगी आपके मुल्क में, बेरोज़गारी कम होगी, उससे आप और उसका जो चाइना है ना उसकी इकॉनमी में बड़ा असर रखती है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें न्यूज़पेपर को तो इंडिया को आप देखें तो इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी उभरती हुई ताकत देखते हैं, देखेंगे जिसमें इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो दुनिया की वो 5वीं ताकत 5वें नंबर पे नज़र आता है। तो क्या वजह है कि अगर इंडिया इस कदर तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? वैसे इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा मुल्क है, अकॉर्डिंग टू एरिया भी बहुत बड़ा मुल्क है। अच्छा, ठीक है, बहुत बड़ा मुल्क है। तो ओबियसली जब इतना बड़ा मुल्क होगा तो उसकी इकॉनमी भी बड़ी होगी और उसकी प्रोडक्शन भी बड़ी होगी, उसकी इंडस्ट्री भी बड़ी होगी। बड़ा मुल्क तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहने वाले, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे गुर्बत भी है, लेकिन यह है कि वो उस मुल्क का जो जीडीपी है जिसे कहा जाता है। सर ये देखें ना, देखिए मैं माजरत करता हूँ कि आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए जितनी बड़ी कंट्री होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, वहाँ उतने ज़्यादा क्राइसिस, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम क्राइसिस के बावजूद वहाँ तमाम चीज़ें स्टेबल हैं और वो दिन ब दिन अगर जीडीपी देखें तो वो बहुत अच्छी जा रही है। और अगर आप बहुत सारी चीज़ों को देखें जिसमें IT सेक्टर देखा है तो IT सेक्टर को भी आप बहुत ज़्यादा जो है उनकी इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो क्या वजह है? ओबियसली किसी भी मुल्क में उसकी एजुकेशन का बड़ा किरदार होता है और इंडिया की जो एजुकेशन है वो बेहतर है। वहाँ की एजुकेशन का मैयार बेहतर है और वहाँ के उसके बाद क्या कहते हैं, आपने IT की बात की। वैसे जब एजुकेशन बेहतर होगी तो आपके हर मामलात आपके बेहतर होते हैं, बेहतर होते जाते हैं। तो ओबियसली हमें बींगा पाकिस्तानी, हमें भी अपनी माशियत, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए हमें अपना किरदार भी इसमें पेश करना चाहिए। और मेरा मैसेज भी यही है कि हमने हमेशा अपने लिए पहले काम करना है, अपने लोगों के लिए, अपने लिए। और जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर ही होता जाएगा निज़ाम। और आपने बात की जैसे इकोनॉमिकली, तो मैंने चाइना इसलिए कहा कि चाइना की आप देख लें, उनके इंडस्ट्री, उनकी चीज़ें, उनकी गुड्स कहाँ जाती हैं। सर विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री जिसमें वो तमाम कंट्रीज शामिल हैं, जैसा कि एशिया में अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो इन तमाम कंट्रीज़ में से आपको सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी किसकी नज़र आती है? IT सेक्टर को देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर देखा जाए तो वो उन तमाम सेक्टर में कौन सी इस टाइम सबसे टॉप पे कंट्री जा रही है? जी, आपने ये पूछा कि कौन सी कंट्री टॉप पे है। जी जी बिल्कुल। तो आपने ऐसे कंट्रीज़ के नाम लिए जो इतने टॉप पे नहीं है। एक ये मैं सबसे ज़्यादा जापान, कोरिया, दोनों कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों एशिया में है। ठीक है। और दोनों की इकोनॉमी ज़बरदस्त है। और सिंगापुर की आप बात करें, आई हैव बीन इन सिंगापुर ऑल्सो, इन जापान, इन मलेशिया, इंडोनेशिया, आई ट्रैवल लॉट ऑफ कंट्रीज़। मैंने देखे हुए करीब से। वहाँ कानून है। ठीक है। जिस मुल्क में कानून स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, वहाँ की अदलिया इंसाफ करेगा, वहाँ की पुलिस सही चलेगी आवाम के साथ, तो वो मुल्क आगे जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आप देखें बांग्लादेश को, ये तो अभी शुक्र कर रहे हैं कि अच्छा हुआ हमारा जान छूटा, हम आज़ाद हो गए। तो उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। जितनी फैक्ट्रियाँ वहाँ भी लगी हुई हैं, पूरे वर्ल्ड में ये लोग सप्लाई करते हैं। और देखो हम क्या कर रहे हैं, 75 साल हो गए पीछे जा रहे हैं, रिवर्स गेयर लगा हुआ है, वो गेयर भी फंसा हुआ है हमारा, और फ्री भी नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा है। तो अब अंदाज़ा करें हमारी कौम जो है ना इस कदर बिगड़ चुकी है ये करप्शन में कि अब एक दलदल में फंसी हुई है, ये कभी निकल नहीं सकते। इल्ला एक शर्त है, निकलने का एक ही रास्ता है कि जिसने करप्शन किया उनको सरेआम फांसी दो, किसी के साथ रियायत नहीं, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, चाहे MNA हो, MPA हो, चाहे जितनी भी बड़ी शख्सियत हो, वडेरा, चौधरी, खान, इन्होंने तो मुल्क को बर्बाद किया हुआ है। आम आवाम का ज़िंदगी इन्होंने अजीरन कर दिया है। तो इस जिस मुल्क में कानून नहीं होगा, कानून पे अमल नहीं होगा, वो मुल्क कभी नहीं सुधरेगा। एंड आई हैव गिव यू गारंटी 100% पाकिस्तानी जो मीशत है ये दिन ब दिन घिरता जाएगा। सिर्फ डायलॉग बोलना, टीवी में चार चार बंदे लाके बैठाते हैं, उनसे गपशप करते हैं, सारे बकवास बातें। नाउ आई एम 65 ईयर्स ओल्ड, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन आप यकीन करो मैंने पाकिस्तान को एक ज़माने में तरक्की करता हुआ देखा, भुट्टो के ज़माने में, अयूब के ज़माने में, लेकिन उसके बाद जवाल आ रहा है, दिन ब दिन जवाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तरक्की का उम्मीद ही मत रखो पाकिस्तान। क्या वजूहत है और हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन नाउ। इसका हल सिर्फ ये है, जो शख्स करप्शन में मुलवस हुआ उसे सख्त सख्त सज़ा दी जाए और कानून सब के लिए बराबर हो, तब इस मुल्क में तरक्की की उम्मीद आएगी। लेकिन बग़ैर इंसाफ के यहाँ कुछ नहीं होगा। छोटे लोगों के लिए अलग कानून, बड़े लोगों तो घूम फिर रहे हैं वज़ीर बने हुए। अब आप देखें, मिसाल तो शर्जील मेमन है, इसने लांचों के ज़रिए, अयान अली के ज़रिए कितने पैसे पाकिस्तान से ले गए बाहर मुल्कों में, दुबई में लांचों के ज़रिए। और मुझे नॉलेज है ये गवादर और पसिनी, वहाँ से चाबार, चाबार से दुबई, खुरफुकान एक वहाँ पोर्ट है दुबई का, यूएई का, तो वहाँ ये लांचों के ज़रिए बेच देते हैं। ठीक है, लांचों के ज़रिए मिलियंस मिलियंस डॉलर। ठीक है, और डॉक्टर आसिम है, ये क्या है ये सब कुछ? और आपका जो हर शख्स में कहता हूँ मुलवस है। और देखो अब जब वो शर्जील मेमन आया उसको सोने का ताज हैदराबाद वालों ने पहनाया। जहालत देखें आप पाकिस्तानियों की। एक प्लेट बिरयानी में जो कौम अपने वोट की हैसियत नहीं समझते, एक प्लेट बिरयानी में वो अपना वोट दे देता है, तो फिर उस कौम का आपको पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया भाई कौन सी कंट्री स्ट्रॉन्ग है? सोचो, पाकिस्तान में लोगों से पूछा गया कौन सी कंट्री स्ट्रॉन्ग है और ऑप्शन में पाकिस्तान ही नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है भाई? बार बार पाकिस्तान वाले बाइक लेके पहुँच जाते पब्लिक के पास, बताइए बताइए कौन सा देश है जो ताकतवर है? हमेशा लेंगे हम चाइना का, इंडिया का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया का नाम लेंगे तो बेइज्जती करवा लेंगे। लेकिन घूम फिर के जो रिपोर्टर है उनको सच्चाई बता देता है कि भाई इंडिया ही है एक जो अच्छी कंट्री उभर रही है, अच्छी अपने आप को डेवलप कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी भाई बेचारे बहाने ढूंढेंगे कि नहीं है नहीं है। सिंगापुर का नाम ले दिया वहाँ पे जाके, मतलब ये छोड़े तो अपने तो छोड़ो ही, अपना भी नहीं लिया नाम, कौन स्ट्रॉन्ग बनेगा आगे जाके? सिंगापुर का नाम ले रहा, नॉर्थ कोरिया का उनका नाम ले रहा। अरे भाई तुम क्या मजाक हो यार, तुम लोग क्या मजाक हो यार, कब तक मजाक करते रहोगे अपने साथ, अपने देश के साथ, कब तक इंडिया के साथ ऐसे हंसाते रहोगे हम यार? दोस्तों आपको कौन सा लगता है पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर कितने सालों बाद एक सुपर पावर बन सकता है जो कि टक्कर देगा अमेरिका को, इंडिया को, चाइना को? कब तक पाकिस्तान बन सकता है? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि कब तक बन सकता है भाई। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना भाई, क्योंकि भारतीय होने पर बहुत प्राउड होता है, आपको भी होता होगा, तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। और साथ में एक झंडे वाला जो अपना फ्लैग होता है ना, वो जरूर डाल देना, हमारे को बड़ा प्यारा लगता है। मिलेगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।